ओके, तो आज आपका टॉपिक है टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास। ठीक है, टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है। ठीक है, उसके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं उसको, आपका साइट करते हैं, क्या आई वेन होता है, क्या ऑब्जेक्ट वेन होता है, क्या चीजें ग्लास कवर होती हैं। ठीक है, लिफ्टिंग पिन का क्या यूज है, लिफ्टिंग लीवर का क्या यूज है, मैग्नेटिक निडल क्या क्या होता है, फिर उसके बाद आपका बॉक्स क्या होता है, उसकी डायमीटर क्या होती है। ठीक है, इन सब चीजें पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट आपका है टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास का टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कंपास मिल गया, हमको ऑब्जर्वेशन लेना है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन लेने से पहले, ठीक है, ऑब्जर्वेशन लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके क्या करते हैं कि ट्राइपॉड पे माउंट करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, कि वो एडजस्ट है कि नहीं, वो जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा प्रिज्मेटिक कंपास है वो लेवल है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आपका इसके कुछ प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं कि टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी एडॉप्टेड आफ्टर फिक्सिंग द प्रिज्मेटिक कंपास ऑन द ट्राइपॉड फॉर मेजरिंग द बियरिंग ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो हम लोग जब बियरिंग ऑफ लाइन मेजर करना, उसके पहले हम लोग फिक्स करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास को किस पे, ट्राइपॉड पे। ठीक है, तो ट्राइपॉड पे फिक्स करने से करने के बाद हमको उसके दो तीन प्रोसेस करना होता है। जैसे सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सेंटरिंग। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर में लाते हैं। ठीक है, सेंटरिंग, सेंटरिंग इज द ऑपरेशन इन विच कंपास इज केप्ट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन फ्रॉम वेयर द बियरिंग इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो सेंटरिंग एक ऐसा ऑपरेशन है कि मान लीजिए हमको बियरिंग कहीं से मेजर करना है। ठीक है, किसी स्टेशन से बियरिंग हमको मेजर करना है, तो उस पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्राइपॉड को ले जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, हम लोग कंपास को एकदम एग्जैक्टली उस स्टेशन के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई एक स्टेशन है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ट्राइपॉड है वो हमारा एग्जैक्टली कंपास के साथ इस स्टेशन के ऊपर हो, ये हमारा अगर कंपास है तो इसके ऊपर हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस क्या होता है, सेंटरिंग कहलाता है। ठीक है, द सेंटरिंग इज चेक बाय ड्रॉपिंग ए स्मॉल पेबल फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द कंपास। ठीक है, तो हम लोग सेंटरिंग कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेबल की बात किया है कि पेबल क्या करेंगे, सेंटर ऑफ द जो हमारा कंपास होगा उससे एक पेबल ड्रॉप करेंगे और वो ठीक है, तो द सेंटरिंग ठीक है, तो हम लोग क्या करें, द सेंटरिंग इज चेक बाय ड्रॉपिंग अ स्मॉल पेबल फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द कंपास। ठीक है, तो जो हम लोग क्या करेंगे कि सेंटरिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्मॉल पेबल क्या करते हैं कि कंपास के जस्ट नीचे से हम लोग पॉइंट पे ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटरिंग करते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि सेंटरिंग पेबल के थ्रू ना करके हम लोग क्या करते हैं कि जो प्लम्ब बॉब होता है, प्लम्ब बॉब हम पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कंपास सर्वेइंग में, प्लम्ब बॉब, तो प्लम्ब बॉब को क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ द कंपास से नीचे ड्रॉप करते हैं। ठीक है, और वो जो सेंटर ऑफ द कंपास होगा वो हमारे एग्जैक्ट जो हमारा स्टेशन है उसके दोनों एक लाइन में आने चाहिए, मतलब एक लाइन से पास करने चाहिए सेंटर ऑफ द कंपास और स्टेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, इफ द पेबल फॉल्स, ठीक है, इफ द पेबल फॉल्स ऑन द टॉप ऑफ द पैक, ठीक है, देन द सेंटरिंग इज करेक्ट, इफ नॉट देन सेंटरिंग इज करेक्टेड बाय एडजस्टिंग द लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि सेंटरिंग क्या होता है कि हम लोग पेबल से करते हैं, सेंटर ऑफ कंपास से एक पेबल पास किए। ठीक है, तो
वो पेबल अगर पर्टिकुलर उस स्टेशन के ऊपर गिर रहा है, ठीक है, उस स्टेशन के ऊपर गिर रहा है तो हमारी सेंट्री क्या है, सही है। अगर साइड में कहीं गिर रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसको ट्राइपॉड जो होता है उसके लेग्स को हम लोग एडजस्ट करते हैं और उसको सेंटर में लाते हैं, ठीक है। तो हम लोग फील्ड में क्या करते हैं कि पेबल न लेके हम लोग प्लम बॉब का यूज करते हैं, ठीक है। प्लम बॉब लेंगे और प्लम बॉब को क्या करेंगे, सेंटर ऑफ द प्लम बॉब को क्या करेंगे, सेंटर ऑफ द आपका सेंटर ऑफ द कंपास से ड्रॉप करेंगे और वो आपके पर्टिकुलर स्टेशन के जस्ट ऊपर आना चाहिए, ठीक है, जस्ट टॉप ऑफ द स्टेशन आना चाहिए, जिससे कि अगर अगर वो स्टेशन के ऊपर आ रहा है तो हमारी सेंटरिंग सही है, अगर वो स्टेशन से थोड़ा भी फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएशन है, तो वो हमारा क्या है कि आपका सेंटरिंग सही नहीं है और हम वहां उस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे, सेंटरिंग करेंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सेंटरिंग को सही करेंगे, और सेंटरिंग सही कर से कैसे करते हैं हम लोग, ट्राइपॉड के लेग्स को एडजस्ट करके, ठीक है, ट्राइपॉड के लेग्स को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो सेंटरिंग हम लोगों ने देख लिया कि सेंटरिंग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लेवलिंग, तो लेवलिंग ऑफ अ कंपास इज डन, लेवलिंग ऑफ अ कंपास इज डन विथ एम टू फ्रीली स्विंग द ग्रेजुएटेड रिंग ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। द बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट ऑन द ट्राइपॉड विल हेल्प टू अचीव अ प्रॉपर लेवल ऑफ द कंपास, दिस कैन बी चेक बाय रोलिंग पेंसिल ऑन द ग्लास कवर, ठीक है। तो लेवलिंग क्या होती है, लेवलिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा कंपास है वो एक पर्टिकुलर लेवल में है, ठीक है, मतलब कोई भी उसमें अंडुलेशंस नहीं है, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है उसको फ्रीली स्विंग कराते हैं, ठीक है, फ्रीली स्विंग कराते हैं, और जो बॉल और सॉकेट होता है आपका ट्राइपॉड में, उससे क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर लेवल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लेवलिंग को चेक करने के लिए कि हमारा पर्टिकुलर कंपास लेवल है कि नहीं है, हम लोग ग्लास जो होता है, पर्टिकुलर ग्लास जो होता है कंपास के ऊपर पेंसिल रोल कराते हैं। अगर वो लेवल में है तो पेंसिल रोल नहीं करेगी, अगर उसमें कुछ अंडुलेशंस होंगे या कुछ उसमें झुकाव होगा या स्लोप होगा उस पर्टिकुलर कंपास में, तो पेंसिल क्या होगी, स्लोप के साइड में, डाउनवर्ड स्लोप में के साइड मूव करेगी। तो वहां से हम लोग चेक कर लेंगे कि लेवलिंग है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको हम लोग फिर से ट्राइपॉड के लेग्स को एडजस्ट करके लेवल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोकसिंग, तो द प्रिज्म इज मूव्ड अप और डाउन, द प्रिज्म इज मूव्ड अप और डाउन इन इट्स स्लाइड टिल द ग्रेजुएशन ऑन द एल्यूमिनियम रिंग और सीन क्लियर, ठीक है, क्लियर शार्प एंड परफेक्ट फोकस, ठीक है। तो प्रिज्म क्या होता है, अप और डाउन मूव करते हैं हम लोग पर्टिकुलर उस आई वेन के पास, कि जब तक हमको ग्रेजुएशन जो रिंग की है, जो ग्रेजुएटेड रिंग की ग्रेजुएशंस हैं या रीडिंग्स हैं, वो हमको क्लियरली नहीं दिख जाती हैं, तब तक हम लोग क्या करते हैं उस प्रिज्म को अप और डाउन मूव करते रहते हैं, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द प्रिज्म विल डिपेंड अपॉन द विजन ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो जो पोजीशन होती है प्रिज्म की वो किस पर डिपेंड करेगा, कि हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा, कि हाँ जो ऑब्जर्वर है वो कितनी हाइट पे है, उसके हिसाब से हम लोग प्रिज्म चेंज करते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा हाइट का बंदा है, वो कर रहा है आपका क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन ले रहा है, तो उस केस में प्रिज्म के क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट अलग होगा। अगर कोई स्मॉलर हाइट के ऑब्जर्वर अगर रीडिंग ले रहा है तो उस केस में आपका चीजें अलग होंगी, ठीक है। तो ये हमारे टेम्पोरेरी एडजस्टमेंट था प्रिज्मेटिक कंपास का। तो टेम्पोरेरी एडजस्टमेंट कितना है आपका, सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग, ठीक है। सेंटरिंग करते हैं पहले, फिर आपका लेवलिंग करेंगे, फिर हम लोग फोकस करेंगे प्रिज्म को अप डाउन करके, ठीक है। ओके, तो ये तीन चीजें थी आपकी टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ कंपास, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हम लोग ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं और ग्रेजुएशन जो रिंग पे हैं वो कैसे हैं, कैसे होती हैं, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास के केस में ऑब्जर्विंग बियरिंग ऑफ लाइन इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है, ये क्या है आपका प्रिज्मेटिक कंपास के फॉर्म में है, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास में आपका जो 0 डिग्री होता है, ठीक है, 0 से 360 है,
तो जो डी 0 डिग्री होता है वो आपका साउथ में होता है, ठीक है। जो 0 डिग्री होगा वो हमारा कहाँ मेजर होगा, साउथ पोजीशन पे। साउथ पोजीशन में हमारा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। 90 डिग्री आपका वेस्ट होगा, ठीक है। 180 डिग्री नॉर्थ होगा और 270 डिग्री ईस्ट होगा, ठीक है। तो हमारा 0 डिग्री कहाँ होगा, साउथ में, ठीक है। साउथ में देने के पीछे रीजन ये है कि जब हम लोग प्रिज्म से रीडिंग नोट करते हैं, ठीक है, प्रिज्म से जो रीडिंग नोट करते हैं तो वो हमको अपोजिट वैल्यूज देती है, ठीक है। क्या कहती है कि अपोजिट वैल्यू देती है। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि साउथ पे हम लोग 0 डिग्री रखते हैं और नॉर्थ पे 180 डिग्री रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को रीडिंग कैसे लेना है, कंसीडर अ लाइन ए बी ऑफ विच द मैग्नेटिक बियरिंग इज टू बी टेकन, ठीक है। एक कोई लाइन ले लेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जिसके हम लोग को बियरिंग मेजर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि बाई फिक्सिंग द रेंजिंग रॉड एट स्टेशन बी वी गेट द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द निडिल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ पोल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए बी लाइन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई ए बी लाइन, ठीक है, ये कोई एक ए बी लाइन है, ठीक है, ये ए और ये बी, ठीक है। इस पर्टिकुलर लाइन का हम लोग को मैग्नेटिक बियरिंग निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड रखेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना कंपास रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपना कंपास रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ये आपका हो जाएगा आई वेन, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ये ऑब्जर्वर रहेगा हम लोग का, यहाँ से ये क्या करेगा, इसको सी करेगा, ठीक है, देखेगा। और यहाँ से हम लोग फिर आपको जो रीडिंग आएगी, यहाँ पे ग्रेजुएशन बॉक्स हमारा बना होगा, इस पर्टिकुलर ग्रेजुएशन बॉक्स पे हमारी रीडिंग आएगी और वो रीडिंग हम लोग नोट करेंगे और इसकी हेल्प से हम लोगों का क्या होगा, मैग्नेटिक बियरिंग पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक बियरिंग कितना होता है, ठीक है। द इनलार्ज पोर्शन गिव्स एक्चुअल पैटर्न ऑफ ग्रेजुएशन मार्क ऑन द रिंग, ठीक है। तो जो प्रिज्म की हेल्प से देखेंगे तो जो रीडिंग होगी वो हमारी इन लास्ट पोर्शन में आएगी और उसकी हेल्प से हम लोग का क्या होगा, आपका रीडिंग हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन या इस स्लाइड को दिखाने का बस इतना मतलब है कि प्रिज्मेटिक कंपास में जो ग्रेजुएशंस बने होते हैं उसमें क्या है कि 0 डिग्री आपका साउथ पोजिशन में होगा, 180 डिग्री आपका नॉर्थ में होगा, ठीक है, 90 डिग्री वेस्ट में होगा, ये वेस्ट है आपका, और ईस्ट में कितना होगा आपका 270 डिग्री, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इस स्लाइड को दिखाने के पीछे मेरा रीजन बस इतना था कि आप लोग ग्रेजुएशन समझ जाएं कि रिंग पे ग्रेजुएशंस किस तरह बनी होती हैं, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में और सर्वेयर कंपास में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री साउथ में होता है, 90 डिग्री वेस्ट में होता है, 180 डिग्री नॉर्थ होता है और 270 डिग्री ईस्ट होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंपास से, प्रिज्मेटिक कंपास से हम लोग होल सर्कल बियरिंग निकालते हैं, ठीक है। जो भी हमको रीडिंग मिलेगी वो होल सर्कल बियरिंग के केस में मिलेगी, ठीक है। होल सर्किल बियरिंग के लिए आपको पीछे के जो वीडियोस हैं उसको चेक करना पड़ेगा कि होल सर्कल बियरिंग क्या होता है और कैसे हम लोग उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो होल सर्कल बियरिंग प्रिज्मेटिक कंपास से हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड आता है आपका सर्वेयर कंपास, ठीक है। सर्वेयर कंपास क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी वो प्रिज्मेटिक कंपास की पढ़ ली, ठीक है। अब हम लोग का आता है सर्वेयर कंपास, ठीक है। तो सर्वेयर कंपास भी आपका प्रिज्मेटिक कंपास की तरह ही होता है, बस उसमें एक सिंपल सा चेंज क्या होता है कि जहां पे हम लोग की आई वेन था वहां पे क्या रखते थे, हम लोग प्रिज्म रखते थे, ठीक है। तो इस केस में हम लोग प्रिज्म हटा देते हैं, सर्वेयर कंपास में क्या है कि प्रिज्म हटा दिया जाता है, वहां पे हम लोग एक प्लेन आई स्लिट रखते हैं, ठीक है। जैसे क्या करेंगे, हम क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका इस तरीके से था ऑब्जेक्ट वेन और आई वेन था, तो आई वेन प्रिज्मेटिक कंपास में यहाँ प्रिज्म लगा था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आपका इस तरीके से आई वेन बनाएंगे, यहाँ पे भी हमारा स्लिट होगा, ठीक है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन होता है सर्वेयर कंपास का, ठीक है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन होता है सर्वेयर कंपास का, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वेन हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आई वेन, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो इट इज सिमिलर टू अ प्रिज्मेटिक कंपास एक्सेप्ट दैट
इट हैज ओनली अ प्लेन आई स्लिट इंस्टेड ऑफ आई स्लिट विथ प्रिज्म एंड आई होल. ठीक है, तो प्रिज्मेटिक कंपास में क्या था कि हमारा आई स्लिट जहां था या आई वेन जहां था वहां पे हम लोग प्रिज्म इंस्टॉल किए थे. क्या था? प्रिज्म था. ठीक है, प्रिज्म और आई होल था. ठीक है, लेकिन सर्वेयर कंपास में आपका क्या होगा कि हम वहां पे एक जैसे ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट वेन होता है सिमिलरली उसी तरह का एक हमारा आपका क्या बोलते हैं प्लेन आई स्लिट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं. ठीक है, दिस कंपास इज हैविंग पॉइंटेड निडिल इन प्लेस ऑफ ब्रॉड फ्रॉम निडिल एज इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास. ठीक है, तो इस केस में मतलब सर्वेयर कंपास के केस में जो हमारा निडिल है वो पॉइंटेड होता है. ठीक है, और हमारा जो सब प्रिज्मेटिक कंपास में जो निडिल था वो ब्रॉड निडिल था, ब्रॉड फॉर्म निडिल था. ठीक है, तो इस तरीके ये दो डिफरेंस हमारे हो गए कि सर्वेयर कंपास प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है. ठीक है, ये है आपका सर्वेयर कंपास. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर में आप देखिए कि हमारे दोनों वेन्स हैं. ठीक है, ये आई वेन्स है. ठीक है, ये हमारा क्या है? आई वेन्स है. ठीक है, आई वेन यहां से हम लोग देखेंगे. ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट वेन है. ठीक है, ऑब्जेक्ट या गाइड वेन है. यहां से हम लोग इस पर्टिकुलर से हम लोग क्या करेंगे? रीडिंग नोट करेंगे. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वेन है. ठीक है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट वेन. ठीक है, ये हमारा क्या है? आई वेन. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वर खड़ा होगा, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा, यहाँ से इस चीज को देखेगा और यहाँ से वो चीजें एक लाइन में हम लोग दोनों हेयर्स को पास करेंगे और यहाँ से फिर अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी हम लोग रीडिंग लेंगे. ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में लेवलिंग करने के लिए हमारे पास बबल ट्यूब गिवन होता है. ठीक है, इस बबल ट्यूब की हेल्प से हम इस पर्टिकुलर कंपास को लेवल करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मिडिल में हम लोग का मैग्नेटिक निडिल होता है. यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि ये देखिए पॉइंटेड निडिल दिया हुआ है. ठीक है, ये क्या है? पॉइंटेड निडिल गिवन है. ठीक है, और यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएटेड रिंग होता है वो फिक्स होता है. ठीक है, और जो सर्कुलर बॉक्स है मेटल बॉक्स है वो 8 से 10 mm 10 सेंटीमीटर डाया होता है. 8 टू 10 सेंटीमीटर डाया. और प्रिज्मेटिक कंपास में क्या था? 8 टू 12 सेंटीमीटर डाया था. ठीक है, नेक्स्ट ये आपका स्क्रू है जो आपका स्क्रू ट्राइपॉड पे माउंट करने के लिए इस पर्टिकुलर कंपास का यूज होता है. ठीक है, तो ये आपका एक सर्वेयर कंपास था. यहाँ इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स थे. ठीक है, तो प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में सिंपल इतना ही डिफरेंस है कि आपका दो डिफरेंस है मेनली. एक आपका प्रिज्म हटा के हम लोग क्या करते हैं? आई स्लिट लगाते हैं, आई वेन लगाते हैं, आई स्लिट लगा देते हैं. और दूसरा क्या है कि आपका मैग्नेटिक निडिल वहां पे ब्रॉड फॉर्म में था और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पॉइंटेड फॉर्म में लगाते हैं. ठीक है, एक और आपका डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है कि हमारी जो रीडिंग होती है, जो रीडिंग होगा वो हम आप यहाँ पे क्वाड्रेंटल बियरिंग मिलेगा. क्वाड्रेंटल बियरिंग का मतलब 0 से 90 डिग्री के फॉर्म में ही हमको रीडिंग मिलेगा. ठीक है, 0 to 90 degree के फॉर्म में ही रीडिंग मिलेगा. ठीक है, थर्ड डिफरेंस हो गया. फोर्थ डिफरेंस ये है कि हमारी जो रिंग्स थी उसके ग्रेजुएशंस जो थे यहाँ पे चेंज रहेंगे. ठीक है, तो ग्रेजुएशंस या रीडिंग को हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो ग्रेजुएशंस क्या क्या है यहाँ पे? जैसे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ में 0 degree हम लोग रखते हैं. नॉर्थ और साउथ में क्या करेंगे? 0 degree रखेंगे. और ईस्ट और वेस्ट हमारा इंटरचेंज हो जाता है. ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ क्या होगा? नॉर्थ एंड साउथ 0 degree और ईस्ट और वेस्ट हमारा इंटरचेंज हो जाएगा. ईस्ट और वेस्ट क्या होता है? हमारा इंटरचेंज हो जाता है और वो 90 degree रीडिंग रहती है. ठीक है, तो ये हमारे ग्रेजुएशंस हो गए. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वर्किंग ऑफ सर्वेयर्स कंपास. ठीक है, तो वर्किंग हम लोग कैसे करते हैं? ठीक है, तो वर्किंग के लिए क्या है आप लोग को, जो हम लोग पहले सेंटरिंग करेंगे. सबसे पहला सेंटरिंग कैसे होता है? सेंटरिंग कैसे होता है आपका? सेंटरिंग क्या करते हैं कि हम लोग कंपास को ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करेंगे. माउंट करने के बाद उसको उस स्टेशन के पास ले जाएंगे जहां से हमको रीडिंग नोट करनी है. ठीक है, रीडिंग नोट करनी है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक प्लम्ब बॉब ड्रॉप करेंगे. वो प्लम्ब बॉब जस्ट सेंटर ऑफ कंपास से ड्रॉप करेंगे. वो जस्ट उस स्टेशन के ऊपर आना चाहिए जिस स्टेशन से हम लोग
बियरिंग मेजर करना है, जिस स्टेशन से हम लोग को बियरिंग मेजर करना है उस स्टेशन के जस्ट ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो ऊपर आ रहा है तो हमारी सेंटरिंग सही है, अगर ऊपर नहीं आ रहा है तो हम ट्राइपॉड के लेग्स को एडजस्ट करते हैं और वहां से हम लोग क्या करेंगे कि सेंटरिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लेवलिंग, ठीक है। तो लेवलिंग चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट है हम लोग का लेवलिंग, ठीक है। तो लेवलिंग को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बॉक्स के ऊपर पेंसिल है, पेंसिल को रखेंगे। अगर वो उस पर्टिकुलर लेवल नहीं है, कुछ स्लोप है, तो स्लोप के साइड में पेंसिल ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लेग्स को एडजस्ट करके पहले लेवल करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग सेंटरिंग और लेवलिंग करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्विंग नेक्स्ट है आपका, कैसे हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ऑब्जर्विंग द बियरिंग ऑफ अ लाइन इन दिस कंपास, द रीडिंग इज टेकन फ्रॉम द टॉप ऑफ ग्लास एंड अंडर द टिप ऑफ नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेटिक नीडल डायरेक्टली, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रीडिंग डायरेक्ट टॉप ऑफ द ग्लास से लेते हैं और जहां पे नॉर्थ एंड होगा मैग्नेटिक नीडल का, वहां से हम लोग डायरेक्टली मेजर करेंगे एंगल, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रिज्म प्रोवाइड नहीं होता है, मतलब हम लोग को कोई भी प्रिज्म की हेल्प नहीं लेनी होती है रीडिंग नोट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्लाइड है प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर कंपास में डिफरेंस, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में क्या क्या डिफरेंस है, वो अभी तक हम लोगों ने दोनों चीजों को पढ़ लिया कि प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं, क्या क्या टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सर्वेयर कंपास पढ़ा, ठीक है, उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे उस चीजों को उसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कंपैरिजन ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। ये कभी कभी आपके सेलेबस में या आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सेमेस्टर, एंड सेमेस्टर एग्जाम कभी कभी आपको डिफरेंस पूछ लेता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कंपैरिजन का, वो क्या है, फर्स्ट लुक, ठीक है। फर्स्ट लुक मतलब अगर हमको कंपास दे दिया जाए, ठीक है, अगर हमको कंपास दे दिया जाए तो कैसे हम लोग उसको, ठीक है। तो सबसे पहला कंपैरिजन क्या है, फर्स्ट लुक की। अगर हमको कंपास दे दिया जा रहा है तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा आपका प्रिज्मेटिक कंपास है और कौन सा हम लोग का सर्वेयर कंपास है, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होगा, प्रिज्म एट वन एंड एंड स्लिट ऑन अदर, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होगा कि जैसा मैंने पहले बताया भी आपको कि एक साइड वहां पे प्रिज्म लगा होगा, क्या लगा होगा, एक साइड प्रिज्म लगा होगा और स्लिट अदर साइड होगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, प्रिज्मेटिक कंपास हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। जिस कंपास में प्रिज्म लगा होगा, ठीक है, जिस कंपास में प्रिज्म लगा होगा वो क्या होगा आपका, प्रिज्मेटिक कंपास होगा, ठीक है। सिम अब उसी तरह अगर जिसमें प्रिज्म नहीं लगा है वो क्या होगा आपका, सर्वेयर कंपास। तो सर्वेयर कंपास में फर्स्ट लुक में क्या पॉइंट है, नो प्रिज्म ओनली स्लिट एट बोथ एंड, ठीक है। तो कोई भी प्रिज्म नहीं लगा होगा, दोनों साइड पे क्या होगी, स्लिट होगी, ठीक है। फर्स्ट लुक में आपका क्लियर हो गया, प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म लगा होगा एक एंड पे और स्लिट होगा अदर एंड पे, और सर्वेयर कंपास में क्या हो गया, कोई भी प्रिज्म नहीं होगा, दोनों साइड स्लिट होगा, ठीक है। यूज ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, यूज ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड के बेसिस पे हमारा क्या है, ठीक है। मे और मे नॉट बी यूज अलोंग स्टेडी होल्ड इन हैंड ऑल्सो गिव गुड रिजल्ट, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में आपका जरूरी नहीं है कि हम ट्राइपॉड लगाएं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ट्राइपॉड लगाएं या ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर ही उसे वर्क किया जाए। आपका जनरली क्या है कि आप अगर उसको अच्छे से होल्ड कर ले अपने हैंड पे तब भी वो अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। वो क्या होगा कि वहां पे अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन ठीक है आपका सर्वेयर कंपास में, लेकिन सर्वेयर कंपास में आपको क्या है कि ट्राइपॉड स्टैंड यूज करना है, नेसेसरी, ठीक है। यूज ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड इज नेसेसरी, मतलब आपको ट्राइपॉड स्टैंड का यूज करना ही करना है, बिना ट्राइपॉड स्टैंड का यूज किए आप सर्वेयर कंपास से रीडिंग नहीं जज कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रिज्म कंपास में क्या है, उसको आप इस अगर अपने हाथ पे भी रख के रीडिंग लेना चाहें तो इजी गोइंग रीडिंग ले सकते हैं।
नेक्स्ट आपका पॉइंट है थर्ड पॉइंट जो है ऑब्जर्वेशंस एंड रीडिंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस एंड रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन या रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक कंपास में, जो प्रिज्मेटिक कंपास में हम लोग ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं, प्रिज्म की हेल्प से। ठीक है, टेकन विथ द हेल्प ऑफ प्रिज्म प्रोवाइडेड बाय आई स्लिट। ठीक, टेकन विथ हेल्प ऑफ प्रिज्म प्रोवाइडेड एट आई स्लिट। आई स्लिट के पास जो आई वेन होता है उसके पास एक प्रिज्म दिया होता है, उसकी हेल्प से हम लोग रीडिंग लेते हैं इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, तो वहां प्रिज्मेटिक कंपास में हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। ठीक है, लेकिन सर्वेयर कंपास में क्या है कि डायरेक्टली रीड फ्रॉम टॉप ऑफ कंपास। ठीक है, सर्वेयर कंपास में क्या होगा कि हमको डायरेक्टली ऊपर से रीडिंग लेनी होती है। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कंपास के ऊपर ऐसे चेक करेंगे और वहां से रीडिंग लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैग्नेटिक निडिल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैग्नेटिक निडिल। ठीक है, तो डज नॉट एक्ट एज इंडेक्स। ठीक है, जैसा कि मैग्नेटिक निडिल प्रिज्मेटिक कंपास में ब्रॉड फॉर्म में होता है। ठीक है, ब्रॉड फॉर्म में होता है तो वो क्या होगा, आपका इंडेक्स नहीं प्रोवाइड करेगा। मतलब आपको इंडेक्स मतलब किसी भी पॉइंट को डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं करेगा। ठीक है, और लेकिन आपका सर्वेयर कंपास में पॉइंटेड होने के नाते वो एज ए इंडेक्स यूज होगा। ठीक है, पॉइंटेड होने के नाते एज ए इंडेक्स यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेजुएशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ग्रेजुएशंस। ग्रेजुएशंस कैसे होती हैं सर्किल पे, या हम लोग रीडिंग किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। ग्रेजुएशंस का यहाँ मतलब हुआ कि हम लोग जो रीडिंग मिल रहा है वो हम लोग को किस फॉर्म में मिला है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में हम लोग को जो रीडिंग मिलती है वो होल सर्कल बियरिंग के फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम के फॉर्म में हमको रीडिंग मिलती है। ठीक है, होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, जिसमें एंगल आपका 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक लाई करता है। ठीक है, होल सर्कल बियरिंग क्या हुई आपकी, WCB सिस्टम, मतलब होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। उस केस में आपकी रीडिंग क्या होगी, हमको प्रिज्मेटिक कंपास में क्या मिलेगा, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। ठीक है, उस केस में हमको रीडिंग मिलेगी और वो रीडिंग क्या होगा, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक लाई करेगा। ठीक है, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक लाई करेगा। ठीक है, और सर्वेयर कंपास में हमको क्यूबी सिस्टम में मिलेगा। क्यूबी सिस्टम मतलब क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम। ठीक है, क्यूबी सिस्टम इज क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम। ठीक है, क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम में हम जो रीडिंग नोट करते हैं वो नॉर्थ या साउथ पोल से रीडिंग लेते हैं और वो हमारा रीडिंग क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएशन मार्किंग। ठीक है, मार्किंग हमारी किस टाइप से हुई रहती है। ठीक है, तो हमारा जो मार्किंग होता है वो 0 एट साउथ होता है, 180 डिग्री एट नॉर्थ होता है। ठीक है, 0 डिग्री क्या होगा, साउथ पे होगा और 180 डिग्री नॉर्थ पे होगा इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जब हम प्रिज्म से देखेंगे तो हमको जो इमेज होगा वो उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, इमेज आपका क्या होगा, मिरर इमेज शो करेगा इसकी वजह से, या रिफ्लेक्टेड इमेज शो करेगा, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि रीडिंग अपोजिट होती है, 0 एट साउथ होगा और 180 डिग्री एट नॉर्थ होगा। और सर्वेयर कंपास में मार्क्स डायरेक्टली 0 एट नॉर्थ एंड 90 डिग्री एट ईस्ट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि 0 डिग्री नॉर्थ में करते हैं और 90 डिग्री ईस्ट पे करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ग्रेजुएशन मार्किंग हुई। नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएटेड सर्कल। ठीक है, ग्रेजुएटेड सर्कल, ग्रेजुएटेड सर्कल यहाँ पे है, रिंग के बारे में बात हो रही है कि रिंग हमारा कैसा है। तो अटैच विथ निडिल डज नॉट रोटेट विद द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है कि निडिल हमारा अटैच रहता है और वो लाइन ऑफ साइट के साथ रोटेट नहीं करता है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट के साथ रोटेट नहीं करता है, वो हमारा निडिल अटैच रहता है। ठीक है, रिंग के साथ। और सर्वेयर कंपास में क्या है आपका, परमानेंटली अटैच विद द बॉक्स। जो हमारा रिंग होता है या जो सर्कल होता है वो हमारा परमानेंटली बॉक्स के साथ अटैच होता है और लाइन ऑफ साइट के साथ
रोटेट करता है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट के साथ रोटेट करता है। तो ये हमारे आपके टोटल 7 पॉइंट्स थे जो हम प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के कंपैरिजन को बताते हैं। तो पहला क्या था, फर्स्ट लुक, सेकंड यूज ऑफ ट्राइपॉड स्टैंड, थर्ड था ऑब्जर्वेशन रीडिंग, फोर्थ था मैग्नेटिक निडल, फिफ्थ था ग्रेजुएशन, सिक्स था ग्रेजुएशन मार्किंग, सेवन था ग्रेजुएटेड सर्किल। ये 7 पॉइंट्स थे जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे कि आपका प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के बीच में डिफरेंस पता किया, ठीक है। ये तो हमारी पूरी थ्योरी पार्ट हो गई, कंपास सर्वेइंग की पूरी थ्योरी पार्ट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि फ्यूचर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, आपका न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स कितने तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं इस पर्टिकुलर में। तो सबसे पहला फर्स्ट टाइप ऑफ का न्यूमेरिकल है वो है बियरिंग के ऊपर, ठीक है, होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग के ऊपर पहले टाइप से न्यूमेरिकल है। सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल आपका आता है फोर बियरिंग बैक बियरिंग, और थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल आपका आता है आएगा इंक्लूडेड एंगल्स, ठीक है। तो अभी तक के लिए ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।